ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में भाजपा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल पर पलटवार करते हुए उन पर कई तीखे प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस विधायक पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जो अपने कार्यकाल में सोलन के विकास के लिए तो कोई कार्य नहीं कर सके, लेकिन अब वे सोलन की जनता को भ्रमित करने के लिए भाजपा पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। सोलन में भाजपा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल पर पलटवार करते हुए उन पर कई तीखे प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस विधायक पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जो अपने कार्यकाल में सोलन के विकास के लिए तो कोई कार्य नहीं कर सके, लेकिन अब वे सोलन की जनता को भ्रमित करने के लिए भाजपा पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब धनीराम शांडिल मंत्री बने थे तो उनका पहला काम शांति बाईपास का नीम पत्थर रखना था, लेकिन वे कार्य को अभी तक पूरा नहीं कर सके। पवन गुप्ता ने धनीराम शांडिल को घेरते हुए कहा कि आज वे सोलन को नगर निगम बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वे उस समय कहां थे जब वे मंत्री थे और नगर परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो वे उस समय नगर निगम क्यों नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि वे केवल छोटी योजनाओं का उद्घाटन कर अपनी हसरतों को पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वे वास्तव में सोलन जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वे सोलन रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 5 के बाहर निकले और सोलन की जनता की समस्याओं को समय से सुने, क्योंकि सोलन की जनता उनके कमरे के बाहर खड़ी रहती है और वे 11 बजे से पहले अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल सोलन के वार्ड नंबर 4 में अपने पार्षद को नहीं जिता पाए, यही नहीं उनके गाँव से उन्हें मत प्रदान नहीं हुए, जिससे ये साबित होता है कि वे लोकप्रिय नहीं बल्कि अब अलोकप्रिय विधायक बन चुके हैं। इसलिए भाजपा उन्हें चेतावनी देती है कि वे अपनी वाणी पर लगाम लगाएं, अन्यथा उनका रेस्ट हाउस के रूम नंबर 5 में ही घेराव किया जाएगा। उनको ये सलाह देता हूं कि वो सोलन नगर परिषद के विधायक की जगह सोलन विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने जितने भी आरोप नगर परिषद पे लगाए हैं, मैं उनको सबको खारिज करता हूं और उनको ये भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि वो फट्टे टांगने का जो शौक उनको चलाया है काफ़ी टाइम से, वो बंद कर दें और सवेरे 11 बजे से पहले जो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं वहां लोगों को दर्शन देना शुरू कर दें, क्योंकि कमरा नंबर 6 उनका पहला स्थाई पता था, अब कमरा नंबर 5 उनका स्थाई पता बन गया है और वो आज तक अपने लोगों को स्थाई पता नहीं बता पा रहे हैं। 463 करोड़ रुपए की योजनाएं अपने कार्यकाल में लाने की बात वो कर रहे हैं जब वो मंत्री थे, तो मैं उनसे इस बारे में श्वेत पत्र जारी करवाना चाहता हूं और जनता को ये बताएं कि 463 करोड़ रुपये उन्होंने कहाँ पर खर्च किया है। उन्होंने शांति बाईपास की बात की है, उन्होंने पैदल मार्ग की बात की है, उन्होंने टैंकों को ढकने की बात की है। मैं जानता हूं कि ये सब उनके कार्यकाल में नहीं शुरू हुए, शांति बाईपास उनके कार्यकाल से पहले डॉक्टर बिंदल की देन है, बट उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी कार्य इनमें पूरा नहीं करवा पाए। टैंकों ढकने के समय उनको काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत वहां पे किया गया था कि आप पानी ला नहीं सकते, टैंकों को ढकने के लिए अपना फट्टा टांगने के लिए आ गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब वो छोटे छोटे शिलान्यास करके अपनी मंत्री पद की जो चाह है उसको पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में वो तीन, पहले भी वो तीन, एक अपना चुनाव उन्होंने हारा है जब वो सांसद के तौर पे लड़े थे कुनिहार, जिला परिषद का उपचुनाव वो हार गए, वार्ड नंबर 4 का उपचुनाव उन्होंने बुरी तरीके से हारा जहाँ उन्होंने खुद कन्वेंसिंग की थी। तो मेरा मानना है कि वो कोई लोकप्रिय विधायक नहीं है, वो अलोकप्रिय विधायक बन चुके हैं और अगर उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली को सुधार नहीं किया तो अब उनका घेराव कमरा नंबर 5 में किया जाएगा और जनता के बीच में जाकर जनता के हित में काम करने की बात करें, ना कि भारतीय भाजपा के ऊपर कोई भी दोषारोपण करने का काम वो करें। मेरा मानना है कि जब वो मंत्री थे तब उन्होंने इस बारे में कोई कोशिश नहीं की और अब उनकी इच्छा शक्ति जो है वो जाग गई है कि मैं अपने आप को हाईलाइट करूं कि मैं नगर निगम बनवाना चाहता हूं। मेरा मानना है कि अगर आपने अच्छे तरीके से प्रयास किया होता तो आपके कार्यकाल में ही सोलन जो है नगर निगम बन जाए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचडी के साथ। नमस्कार।